हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज। और आज मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की मेरी रेसिपी है कटोरी कपकेक, यानी मैंने कपकेक कटोरी में बनाया है। फ्रेंड्स, ये कपकेक बनाने के लिए ना ही आपको अवन की ज़रूरत है, ना ही कपकेक मोल्ड की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई भी इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट करने की प्रॉब्लम है। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये कपकेक बिना कोई मेजरमेंट के प्रॉब्लम के, और बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ाई में बनाएंगे हम ये कपकेक, और बहुत ही कम समय में। तो फ्रेंड्स, रेसिपी देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट फ्लोर मिक्स है जो मार्केट वाले अपने केक बनाने के लिए फ्लोर यूज़ करते हैं, वो यही फ्लोर है। आपको बिल्कुल ये मार्केट का टेस्ट देगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से मिक्स होती हैं, आपको इसमें कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है। ये बिल्कुल आपको मार्केट का जो केक हम खाते हैं हल्दीराम का या मोंजनीस का, तो आपको ये पूरा वही फ्लेवर देगा। इसमें हमें बस सिर्फ ऑयल मिलाना पड़ता है ताकि हमारा बैटर स्मूथ बने, और बस बैटर घोल के हमें इसे बेक करना होता है। तो आज मैं आपसे उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को केक बनाने के लिए मेजरमेंट की प्रॉब्लम होती है कि हम बेकिंग पाउडर कितना डालें, बेकिंग सोडा कितना डालें, या उसमें कंडेंस मिल्क डालना पड़ता है, शुगर पाउडर हमें पीस कर डालना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है केक बनाने के लिए। तो आप ये इंस्टेंट फ्लोर ज़रूर लाएं, और इसे जब भी आपको केक बनाने का है तो आप इसे बना सकते हैं। केक सिर्फ आधे घंटे में या 20 मिनट में आप बहुत ही कम टाइम में ये केक बना सकते हैं। तो आज मैं आपसे उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक कटोरी ये फ्लोर लिया है, मैं इसी से कप केक बनाने वाली हूँ। ये देखिए, सिर्फ एक कटोरी मैंने ये फ्लोर लिया है। मैंने ये ब्लैक फॉरेस्ट का फ्लेवर लाया है, आप कोई भी फ्लेवर वहाँ से ला सकते हैं मार्केट से, जहाँ भी केक का सामान मिलता है। चलिए आप बैटर बना लेते हैं हम केक के लिए। मैंने 1 कप पानी लिया है, लगभग आधा कप मैं पानी यूज करूंगी केक का बैटर बनाने के लिए। ज़्यादा हमें पतला बैटर नहीं बनाना है, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, केक के बैटर को हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फेंटना है ताकि उसमें गुठलियाँ ना पड़े, और केक का बैटर जो है वो बहुत ही शाइनी हो जाए और बहुत ही स्मूथ बैटर हो जाए। ये देखिए, ऐसे ही हमें अच्छे से फेंट लेना है केक के बैटर को। यहाँ मैंने कटोरी को अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया है ताकि हमारा केक जो है वो तले में चिपके नहीं और आसानी से बाहर आ जाए। अब हम इसमें केक का बैटर डाल देते हैं। ज़्यादा हमें ओवर नहीं भरना है, सिर्फ आधी आधी कटोरी ही हमें बराबर से रखनी है ताकि केक जब बनकर ऊपर तक आए तो वो केक कटोरी से ओवर ना जाए बैटर हमारा। थोड़ा थोड़ा कटोरियों को टैप कर देंगे और अब बेक करने को रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा था। जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं वैसे ही मैंने बेकिंग से पहले कढ़ाई को थोड़ा गर्म किया है, सिर्फ 5 मिनट गर्म किया है। और अब हम कटोरी को अच्छे से सेट करके रख देंगे। गैस की आंच को बिल्कुल हमें स्लो रखना है, और मैं 20 मिनट तक बेक करूंगी, उसके बाद चेक करूंगी। अगर हमारा केक अच्छे से नहीं बेक हुआ होगा तो फिर हम टाइम उसका बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बेक होने को रख देते हैं। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम केक को चेक कर लेते हैं कि हमारा केक अच्छे से बेक हुआ या नहीं हुआ। अगर केक का बैटर गीला होगा नीचे से तो बैटर लग जाएगा लकड़ी में। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से कुक हो गया है। ये भी बिल्कुल ड्राई है, तो हमारे दोनों कटोरी केक बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गए हमारे कटोरी केक, यानी कटोरी कप केक। तो उसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद निकालते हैं। चलिए, हमारे कटोरी केक तो ठंडे हो चुके हैं, तो फ्रेंड्स इसको निकाल लेते हैं हम कटोरी से बाहर। चाकू की सहायता से हम किनारे किनारे अच्छे से कट कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। वैसे भी हमने कटोरियों को ग्रीस किया है तो हमारा केक अच्छे से चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी से आ जाता है बाहर। ऐसे ही धीरे धीरे घुमाते जाएं। इसे भी कर लेते हैं हम वैसे ही। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं हमारे कपकेक।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यमी और टेस्टी कपकेक्स रेडी हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक कपकेक के ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला है, ताकि जो मैं स्वीट स्प्रिंकल्स अभी इसके ऊपर से डालूंगी वो अच्छे से चिपक जाए और कपकेक और खूबसूरत दिखे। ये देखिए कलरफुल स्प्रिंकल्स कितने प्यारे दिख रहे हैं हमारे कपकेक्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गए हैं हमारे होममेड कपकेक्स यानी कि कटोरी केक। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि हमारा केक कितना अच्छा बना है, कितना स्पंजी बना है और कितना सॉफ्ट बना है। तो आप ये फ्लेवर ज़रूर मार्केट से लाएं, आपको जो भी फ्लेवर का लाना है आप ला सकते हैं। बिना किसी मेजरमेंट के आप ये केक आसानी से बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, जब भी आपको खाना हो। क्योंकि हमें नॉर्मल केक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम केक बना पाते हैं, मगर ये बहुत ही इंस्टेंट केक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ और रेसिपीज़ की मेरी लिंक दी हुई होती है, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, तो आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पर भी विजिट करें, या आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।